नमस्कार अम्बरीजनों, आप देख रहे हैं सूर्य पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्थान काशी विश्वविद्यालय का सेंट्रल ऑफिस है, यहाँ पे बैठते हैं हमारे बीसी साहब, यहीं पे बैठते हैं हमारे बीएचयू के रजिस्ट्रार, यहीं पे आपका एकेडमिक सेक्शन है, मतलब बहुत सारा काम जो है वो यहीं से होता है। तो फाइनली मैं आप सभी को बताया था, खैर मैं वीडियो में नहीं बताया था क्योंकि मुझे भीड़ नहीं चाहिए था। मैं बेसिकली मुद्दे को शांति से सॉल्व करना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि पहले हम लोग चैनलाइज काम करें, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक बात पहुँचाएं, तो फाइनली उसी को फॉलो कर रहा था। धरना अपनी जगह एक तरीका हो सकता है, लेकिन अभी उसमें मेरा कोई हाथ नहीं रखना था, मुझे अपना सलूशन बेसिकली चाहिए। आप सभी को पता होगा कि BHU PG 2024 GDPI का एग्ज़ाम 21 तारीख के बाद ही कुछ दिनों में कंप्लीट हो गया, तो रिजल्ट में इतना डिले कि बहुत सारे बच्चों के बाकी जगहों के एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज़ जा रही है, जो उनके अवसर हैं वो खोते जा रहे हैं। और BHU इस पर एकदम शांत है, खासकर CSE मेंबर्स जो हैं इस पर कोई भी, जैसे कि BHU CSE मेंबर्स को इतना तो चाहिए ना कि आप एक डेट तो दे दो भाई, आप अपने एक प्रेस रिलीज के थ्रू क्यों नहीं एक डेट दे देते हो कि हाँ हम इस डेट में या हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप अपनी समस्या मत बताओ, ठीक है आपका पर्सनल लेवल प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आप मुझे एक डेट तो दो, बच्चों को डेट दो ना। देखो यहाँ पे एक आज का जो वीर योद्धा है, क्योंकि मैं बुलाया था तो खैर मैं, मुझे नहीं पता था कि इतने भी कम लोग आएंगे, लेकिन फिर भी इधर आओ भाई। तो ये है, अच्छा एक बात और है कि मुझसे दूसरी बार मुलाकात हो रही है भैया, दूसरी बार। इतने एक्टिव कैसे हो, मतलब मुझे लग रहा है कि अपने एडमिशन के पीछे तुम हाथ धो के पड़े हो क्या भैया? और कोई चारा होता है हम स्टूडेंट के पास? कोई यूनिवर्सिटी हमारे बारे में सोचती है, हम ही लोग को अपने बारे में सोचना पड़ेगा। और आप जैसे सीनियर लोग का ही सहारा है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं। आज अपने बैचमेट को क्या कहना चाहोगे? महादेव महादेव, थोड़ा सा महादेव महादेव, बस एक वीडियो बना रहे हैं फिर बात करते हैं आपसे। हम ही खड़े हैं। अच्छा ठीक है, हाँ बताओ। हमारा वीडियो तो इधर बनाइए। आप आ जाओगे अपने आप, बताओ। बैचमेट्स तो यही उनसे ये दो राय है कि भाई अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते तुम्हारी बात जल्दी सुनी जाती भाई। मतलब मैं बार बार, पता है तुम्हारे बैच को ना, मैं खासकर GDPI को, मैं किसी को मतलब वो नहीं कह रहा हूँ कि बेवजह बोलो कुछ, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से एक पढ़े लिखे बच्चों की तरह अपनी बात रखी सकते हो कि नहीं? जी भाई। अच्छा ये देखो, आज हम लोगों ने पूरा एक प्रॉपर वे में राइटिंग किया, एक लेटर लिखा, ये पूरा राइटिंग कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। ये लेटर हम लोगों ने आज किसको दिया? रजिस्ट्रार को। और हम लोगों ने रजिस्ट्रार के सामने क्या बात रखी भाई? सीधे सीधे बात रखी यार, आप लोग इतने दिन से झला रहे हो, एक महीना होने को है, ठीक है आप लोग सीधे सीधे डेट कमिट करो ना, जो प्रॉब्लम है ट्रांसफर। अच्छा उन्होंने क्या बोला जब हम लोग, उन्होंने तो सीधा भाई CSE के हेड को फोन लगा दिया, बात हुई, यहाँ समर्थ की टीम आई है, हो रहा है सिस्टम। और उन्होंने कहा, भास्कर सर ने, भट्टाचार्य जी हैं CSE के हेड, उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई फर्दर त्रुटि नहीं आती है तो 17 तक आ जाना चाहिए। अच्छा ऐसा फ़ोन पे हम लोग के सामने बात हुई है। देखो ये बातें हम लोगों ने आज जब यहाँ पे आके बात की, रजिस्ट्रार साहब को बोले, अच्छी बात है कि रजिस्ट्रार साहब ने तुरंत बात को सुनी और सीधे CSE के हेड साहब को कॉल किया। एक डेट जो हमें सुनने में मिला है और साथ में एक स्टेटमेंट भी मिला है कि कोई ग्लिचेज ना हो। तो अब मैं आपको एक व्यक्तिगत तौर से आपको बात बताना चाहूँगा कि ठीक है, दो दिन की बात है, दो दिन हम लोग देख लेते हैं कि नहीं, दो दिन की बात है, 15 हो ही गया तो ठीक है, दो दिन देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि दो दिन में भाई फाइनली आपका रिजल्ट दे देंगे। और अगर नहीं देंगे तो इन बच्चों को, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपना समर्थन देना। मैं आपको गेट बंद करने के लिए नहीं बोलूँगा, थालियाँ पीटने के लिए नहीं बोलूँगा, शोरगुल नहीं करना है, लेकिन एक पढ़े लिखे छात्र का जो राइट है वो करने के लिए ज़रूर बोलूँगा। जो आज इन्होंने किया, जो मैंने किया, वो करने के लिए बोलूँगा, और वो हमारा राइट कोई हमसे नहीं छीन सकता है। तो हमारी लड़ाई संवैधानिक और शैक्षणिक तरीके से ही रहेगी। और मैं इतना आपको वारियर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देख लो, आने से पहले जब इतना परेशान हो रहे हो, तो आने के बाद भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहना। और मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ, कोई ऐसा हो ना मेरे वीडियो से देख के कोई बहुत इन्फ्लुएंस हो जा रहा है और वो चाहता है, क्योंकि ये भाई आज मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया और एडमिशन के बाद हम लोग कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं, मतलब इन शैक्षणिक मुद्दों से अलग हटके अपनी बात को रखने के लिए, क्यों? तो हम चाहेंगे ना कि कोई अगर बहुत अच्छा है, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, जिसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, जो अपने हक के लिए लड़ सकता है, जो आवाज़ उठा सकता है, तो हम लोग एक सबरिलांस टाइप का एक अपना अनऑफिशियल एक हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि उसमें प्लीज़ आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है ना, तो ज़रूर उसका हिस्सा बने,
हम लोग बहुत अच्छे से इसको ऑपरेट करेंगे BHU कैंपस में। ये आइडिया कहीं ना कहीं आज ही आया और मुझे लगा कि अगर स्टार्टिंग में आप इसका मेंबर बनना चाहो तो आप बनो। नॉट अब मैं ऐसे ही किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कोई संगठन बनाने की बात भी नहीं हो रही है अभी, मैं पूरी चीज़ें इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा आइडिया है सार्थक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो मानते हो ना कि एकदम। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि सार्थक जैसे शार्प माइंड के बच्चे जो हैं वो अपना एक समर्थन दें, और जो व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं यहाँ आने के बाद, वो चाहते हैं कि नहीं सर हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करनी है जिससे हमें एक पहचान मिले, लोगों का अधिकार मिले, और उसमें हमारा कोई भी वो नेतागिरी वाला काम ना हो। नेता ही नहीं करना है यहाँ पे, वो तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता हूँ, जबकि करने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे खुद वो काम करने हैं ना जहाँ से हमारा काम हो जाता है। वो एक बस स्टैंड वो क्या करते हैं वो लोग जनरली बस नाम कमाने के लिए करते हैं। अगर सही मायने में ना अगर यहाँ पे आज लोग बच्चों के हित के लिए बात करते ना तो ये लोग इतना मनमानी कर नहीं पाते, बस हम जैसे लोगों की संख्या कम है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े, हम साथ में जुड़ के और ऐसी चीज़ों पे काम करेंगे। तो प्लीज़ डेट तो पता चल गई है, ठीक है 17 है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के साथ साथ आप समर्थन जरूर दोगे। इंस्टा आईडी है नीरदर्शन, वहाँ पे आप मुझे DM करो, वहाँ से हम पिकआउट करेंगे अपने बच्चों को या फिर जो भी इससे जुड़ना चाहता है। फिर यहाँ BHU में आने के बाद हम लोग मीटिंग करेंगे, और मीटिंग के बाद कैसे कहाँ से फ़ंड वगैरह होगा, कैसे हम लोग का एम क्या होगा, काम कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें, लोगों की पोजिशनिंग क्या होगी, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बातें करेंगे। तो प्लीज़ आपका समर्थन ज़रूर चाहिए मुझे। अभी नया है, स्पेशल वीडियो भी इस पर दूंगा, लेकिन आप सौभाग्यशाली हो कि सबसे पहले आपको बात पता चल पा रहा है। तो सार्थक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। हर हर महादेव।